everyone, welcome back to my channel. And those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about the mechanism of integration of single pass transmembrane proteins in the membrane of endoplasmic reticulum. Means, in single pass transmembrane proteins, a single internal ER signal sequence remains in the lipid bilayer as a membrane spanning alpha helix. But before starting the lecture, this is about me. I'm Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NETJRF. Apart from that, I have qualified various national level interest exams at BSc, MSc, and PhD level. I have 8 plus year research experience in biological sciences, 4 plus year teaching experience, and published couple of international research papers. Now, let's start the lecture. And the topic is, in single pass transmembrane proteins, a single internal ER signal sequence remains in the lipid bilayer as a membrane spanning alpha helix. So, ER signal sequence की अगर बात करें, ER signal sequence होते हैं, वो N terminus पे present होते हैं. उस polypeptide chain में, जो polypeptide entry होने वाला है, endoplasmic reticulum के lumen में, या membrane में. So, जो protein endoplasmic reticulum के लिए destined है, उस polypeptide chain में, ये N terminus पे ER signal sequence present होते हैं. अब इस N terminus ER signal sequence का क्या function है? N terminus ER signal sequence की अगर बात करें तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड एक सफिशिएंट लेंथ ग्रो करता है ये N terminus signal sequence बाइंड करता है दो चीजों से. पहला बाइंड करता है SRP से जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है. दूसरा बाइंड करता है इस ट्रांसलोकेटर के हाइड्रोफोबिक स्टार्ट ट्रांसफर बाइंडिंग साइट पे. मींस कि इस सिग्नल सीक्वेंस की बाइंडिंग साइट होती है इस ट्रांसलोकेटर के पोर में. इस सिग्नल सीक्वेंस का काम क्या है? ये जो N terminus ER सिग्नल सीक्वेंस है इस ट्रांसलोकेटर के पोर के ओपनिंग को ट्रिगर करता है. एंड इसकी दो बाइंडिंग साइट होती है. एक तो SRP से बाइंड करता है जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है. दूसरा बाइंड करता है इस ट्रांसलोकेटर के पोर बाइंडिंग साइट से. जैसे ही ट्रांसलोकेटर के पोर बाइंडिंग साइट से एंड SRP से बाइंड करता है इट मींस कि इनका ड्यूअल रिकॉग्निशन है. ड्यूअल रिकॉग्निशन ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एप्रोप्रिएट प्रोटीन ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में इंटर करें. सो एसआरपी की ड्यूअल रिकॉग्निशन का पर्पस ये है कि सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट प्रोटीन ही ईआर के ल्यूमेन में इंटर करें. सो जैसे ही ये एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसलोकेटर के पोर से बाइंड करता है उस टाइम पे सिर्फ ट्रांसलोकेटर के पोर से बाइंड नहीं होता है. उस टाइम पे इनकी एक और बाइंडिंग साइट होती है एंड दैट इज इस मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक लिपिड कोर है. मींस कि जब ये N टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसलोकेटर्स के पोर से बाइंड करता है उस टाइम पे इस ER के मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक लिपिड कोर है उससे भी बाइंडिंग होती है. और ये प्रूफ किया गया है केमिकल क्रॉस लिंकिंग एक्सपेरिमेंट से. केमिकल क्रॉस लिंकिंग एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि सिग्नल सीक्वेंस एंड मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स हैं वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से. सो जब जैसे ही नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन सफिशिएंट लेंथ ग्रो करता है वैसे ही ईआर का सिग्नल पेप्टिडेज क्लीव कर देता है इस ईआर के सिग्नल सीक्वेंस को. मींस कि दिस एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस इज क्लिफ्ड बाय सिग्नल पेप्टिडेज और ये सिग्नल पेप्टिडेज प्रेजेंट होते हैं ईआर के मेम्ब्रेन पे. सो जैसे ही ये सिग्नल पेप्टिडेज ईआर सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव करता है ये ईआर सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसलोकेटर के पोर से ओपन होता है और ये मेम्ब्रेन में आ जाता है. एंड दिस मूवमेंट इज बाय लेटरल गेटिंग मैकेनिज्म. मींस कि ये जो पोर ओपन होता है
ये पोर लेटरली ओपन होता है और उसके थ्रू सिग्नल सीक्वेंस पोर से ट्रांसलोकेटर से मेम्ब्रेन में आ जाता है। जैसे ही मेम्ब्रेन में आ जाता है ये सिग्नल सीक्वेंस डिग्रेड हो जाते हैं इन द अमाइनो एसिड्स। सो फाइनली ईयर सिग्नल सीक्वेंस का काम क्या है? ईयर सिग्नल सीक्वेंस का काम है प्रोटीन्स को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाना। एंड जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं वैसे ही सिग्नल सीक्वेंस रिलीज हो जाता है और ये सिग्नल सीक्वेंस डिग्रेड हो जाते हैं बाय अदर प्रोटीएजेस प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। सो ट्रांसलोकेटर दो डायरेक्शन में ओपन होता है, फर्स्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज अलोंग द मेम्ब्रेन, दैट इज इन लेटरल डायरेक्शन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग से हाइड्रोफिलिक पॉलीपेप्टाइड चेन इंटर करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, लेकिन जो लेटरल ओपनिंग है ये लेटरल ओपनिंग सिग्नल सीक्वेंस को लेटरली मेम्ब्रेन में लाता है थ्रू द लेटरल ओपनिंग ऑफ द ट्रांसलोकेटर पोर। एंड जैसे ही मेम्ब्रेन में आ जाता है ये डिग्रेड हो जाता है टू द अमाइनो एसिड्स बाय अदर प्रोटीएजेस। So this is the mechanism about the soluble protein in the lumen. But what is the mechanism of membrane proteins in the endoplasmic reticulum membrane? Membrane protein की अगर बात करें तो membrane protein बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सेकंड वन इज द मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मैकेनिज्म अलग है मेम्ब्रेन इंटीग्रेशन का, जबकि मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मैकेनिज्म अलग है। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का इंटीग्रेशन में रोल होता है ईआर सिग्नल सीक्वेंस का। जो एन टर्मिनस ईयर सिग्नल सीक्वेंस है ये एन टर्मिनस ईयर सिग्नल सीक्वेंस इनिशिएट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अक्रॉस द ट्रांसलोकेटर। और ये जो ईयर सिग्नल सीक्वेंस होते हैं इनकी दो बाइंडिंग साइट होती है, एक तो साइटोसोल में एसआरपी से बाइंड करता है और दूसरा ट्रांसलोकेटर में हाइड्रोफोबिक स्टार ट्रांसफर पेप्टाइड बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है। और जैसे ये बाइंड करता है ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ईआर के ल्यूमेन में इंटर करने लगता है और जैसे ही सफिशिएंट लेंथ इंटर करता है एक और हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस आते हैं एंड दिस स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जो कि एन टर्मिनस ईआर सिग्नल सीक्वेंस के अलावा होता है। एन टर्मिनस ईआर सिग्नल सीक्वेंस के अलावा प्रोटीन में एक और हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होता है एंड दैट हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस इज नोन एज स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल, इट इज नोन एज स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। अब ये जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है जैसे ही ट्रांसलोकेटर के पोर में आता है इनकी भी एक बाइंडिंग साइट होती है एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। ये जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है ट्रांसलोकेटर के पोर के हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर पेप्टाइड बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है। आफ्टर बाइंडिंग जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन की सफिशिएंट लेंथ ट्रांसलेट होती है ये एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस सिग्नल पेप्टिडेज से क्लीव होते हैं और लेटरल गेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये मेम्ब्रेन में आ जाते हैं और जैसे ही मेम्ब्रेन में आते हैं दूसरे प्रोटीएजेस के थ्रू ये अमाइनो एसिड्स में डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल? अब ये जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है ये भी लेटरल गेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू मेम्ब्रेन में आता है और वैसे ही प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होते हैं इन सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एंड एन टर्मिनस सीक्वेंस होता है वो ल्यूमेन की तरफ होता है जबकि सी टर्मिनस पॉलीपेप्टाइड चेन का साइटोसोल की तरफ होता है। बिकॉज एन टर्मिनस ल्यूमेन की तरफ इसलिए होता है कि एन टर्मिनस पे एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जो स्टार्ट ट्रांसफर की तरह काम करते हैं, स्टार ट्रांसफर सिग्नल की तरह काम करते हैं और वो पहले इंटर होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए एन टर्मिनस इन द ल्यूमेन प्रेजेंट होता है एंड सी टर्मिनस प्रेजेंट होता है इन द साइटोसोल। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस।
दो अदर केसेस और हैं, मीन्स दो और मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस पे नहीं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस नहीं होते हैं, इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, और ये इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस डिटरमाइन करता है प्रोटीन के इंटीग्रेशन के टाइप को, और वो डिटरमाइन होता है इस सिग्नल सीक्वेंस के फ्लैंकिंग रीजन में अमाइनो एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर ये जो सिग्नल सीक्वेंस है दैट इज इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस, इस इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस के जस्ट पहले अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड ज्यादा है, मीन्स टुवर्ड्स द एंड टर्मिनस पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड ज्यादा है, सो इस कंडीशन में जो एंड टर्मिनस होगा टुवर्ड्स द साइटोसोल होगा, जबकि सी टर्मिनस टुवर्ड्स द ल्यूमेन होगा। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है दैट इज इस सिग्नल सीक्वेंस के बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड का नंबर ज्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, सो उस कंडीशन में सी टर्मिनस टुवर्ड्स द साइटोसोल होंगे एंड एन टर्मिनस टुवर्ड्स द ल्यूमेन होंगे, बट अदर मैकेनिज्म आर सेम। मीन्स ये जो इंटरनल ईआर सिग्नल सीक्वेंस है ये ट्रांसलोकेटर के पोर से बाइंड करता है एंड देन एक एंड ल्यूमेन की तरफ होता है, एक एंड साइटोसोल की तरफ होता है, और ये डिटरमाइन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द ईआर मेम्ब्रेन।